everybody, this video is about the resonating structures of chlorobenzene. Now, what is the chlorobenzene? It is a compound which is having a chlorine atom attached to the benzene ring. Now, as you all know, chlorine ke paas valence electrons hote hai 7. Unme se ek electron carbon ke saath bond banane mein use ho jayega and jo baki bache 6 electrons wo as a lone pair relocalize ho jayegi chlorine ke upar. Hence iske paas 3 lone pairs aa gaye. Now resonating structures ke upar jaate hain. Yahan par humne benzene ring bana li. Now chlorine with 3 lone pairs. And resonating structure banane se pehle hame kya dekhna padega ki kis tarah se bonds ko move karna hai, kis tarah se arrows ko move karna hai hame ki lone pair se bond banega, bond se aage electrons jayegi. So firstly yahan se lone pair se एक बॉन्ड बना दिया हमने और जो ये वाला बॉन्ड है उसको आगे शिफ्ट करके यहां पे इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए नाउ और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसे डबल हेडेड एरो से डिनोट किया जाता है नाउ यहां पे कितना आ जाएगा क्लोरीन विद 2 लोन पेयर्स एंड यहां से इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हुए हैं सो यहां पर पॉजिटिव लगेगा दैट इज डेफिशिएंसी साइन को दिखाने के लिए एंड यहां से बॉन्ड आगे मूव करा तो इलेक्ट्रॉन्स इस पे आगे तो यहां पर नेगेटिव शो करेंगे और यहां पर बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे जैसे कि पहले से थे डबल हेडेड एरो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा फर्स्टली ये तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं यहां पे क्लोरीन पे पॉजिटिव है और दो यहां पर लोन पेयर्स प्रेजेंट है नाउ जो ये नेगेटिव वाला होगा उसका आगे बॉन्ड बनाएंगे और जो आगे ये बॉन्ड होगा वो किस पे जाएगा कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन्स देगा नाउ ये कितना आगे यहां से यहां बॉन्ड बनाया तो ये एक बॉन्ड ठीक है बॉन्ड ने आगे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे दिखाते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव साइन से नाउ ये वाला एज इट इज रहा नेक्स्ट डबल हेडेड एरो से नेक्स्ट वाला स्टेप में जाएंगे डबल बॉन्ड क्लोरीन एज इट इज है पड़ा हुआ ठीक है दो लोन पेयर है और ये भी एज इट इज हो जाएगा नाउ यहां से क्या होगा नेगेटिव से फिर से बॉन्ड बनेगा बॉन्ड का फिर से इलेक्ट्रॉन्स यहां पर देगा ठीक है और यहां से क्या हो गया बॉन्ड ने बॉन्ड बना था यहां पर और बॉन्ड से आगे इलेक्ट्रॉन्स दे गया तो यहां पे नेगेटिव बन गया ठीक है और उसके बाद क्या हो जाएगा जो फिर से नेगेटिव है फिर से एक लास्ट मूव करेंगे हम कि ये आगे बॉन्ड बना देगा एंड जो बॉन्ड था वो आगे इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो फिर से लास्ट जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो क्या बना यहां पर ये वाला एज इट इज ये भी एज इट इज यहां से एक बॉन्ड बन जाएगा ठीक है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स दिए थे एंड ये वाले बॉन्ड ने आगे क्या किया लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो दो तो पहले से थे यहां से बॉन्ड ने जब मूव करवाया तो यहां पे एक एक्स्ट्रा आ गया और इसी के साथ पॉजिटिव जो कि डेफिशिएंसी को दिखाता है वो भी साइन खत्म हो गया नाउ दिस इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन थैंक यू सो मच डू लाइक एंड सब्सक्राइब